Assalamualaikum, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में शादोबाद होंगे। नए दिन और नए दिन का आगाज़। जी हाँ, तो आज का भी जो काम है वो मेरे किचन में ही है, क्योंकि आज जो है मुझे अपने किचन के कैबिनेट साफ़ करने हैं और सफाई भी करनी है। और मुझे लग रहा था कि कुछ कॉकरोचेस हो गए हैं, यू नो, थोड़े बहुत हो जाते हैं ना, तो बस दिल चाहता है कि आपने सफाई करनी ही है। और अब जो है पूरे बर्तन मुझे बाहर निकालने हैं और ऊपर की जो है मसाले, मिर्ची, धनिया जो होता है, यू नो, वो सब मुझे बाहर निकालनी है। और जितने भी हमारे ग्रॉसरी है, प्लेट्स, कप, सबको बाहर निकाल कर उसके लिए मुझे सफाई करनी है। तो और फिर मुझे मालूम था, मैंने कहा मुझे चेंज करना है और फ्रेश होना है, तो क्यों ना पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, इस काम से फ्री हो जाती हूँ। तो मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में, लेट्स सी। और यहाँ पर जो है सारे कैबिनेट्स के मैंने बर्तन बाहर निकाल लिए थे और यहाँ पर कॉमन में ही मैंने सब रख दिया था। कॉमन में चलो ये कि बाहर निकाल लिया सामान फैल जाता है, लेकिन यह कि अच्छा हो जाता है, सफाई हो जाएगी। और बस यही है, सारी ग्रॉसरी मैंने बाहर रख दिए। घर का राशन भी है, वो भी बाहर निकाल लिया कैबिनेट से, तो मैंने बाहर निकाल कर रख दिया। मैंने ब्लॉग बना लिया है क्योंकि मुझे ये था कि अब सफाई करनी है, काम करना है। पहले जो है सुबह मैंने किचन और टाइल जो है वो साफ़ किए थे और अब जो है मुझे कैबिनेट साफ़ करने थे। तो बस जब आप काम करते रहो ना, तो वो आपको एक धुन हो जाती है कि बस आपने काम करना है। तो काम जब हमें ही करना है तो क्यों ना हम जल्दी करें। और यहाँ से जो है ऊपर की जो है शेल्फ और ये भी हमने खाली कर लिए थे। और नीचे जो है, नीचे हमारे यहाँ पर आटे का सामान होता है, नीचे यहाँ पर ड्रॉज में भी हमारे होते हैं, यहाँ पर भी हमारा राशन रखा हुआ होता है। तो सब कुछ जो है हमने एम्प्टी कर दिया है, सब चीज़ें बाहर निकाल ली हैं। वैसे तो यहाँ साफ़ थी, मैंने सफाई कर दी है। अब बस जो है जो मैंने झाग बनाएंगे हम उसमें सर्फ डालेंगे, शाइनर होता है, इससे जो है वो खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पर जो है मुझे लग रहा था कि कुछ है, तो अब यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ। और ये देखें, इसे कैबिनेट जो है वो शाइन आ जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाता है, स्मेल भी अच्छी आती है। तो मैंने जो है इसको एक पानी जैसे बना कर रख लेती हूँ ना, तो इससे जो है वो झाग बन जाते हैं। और दूसरी जो है मैंने एक जग और एक बाउल लिया है, उसमें मैंने साफ़ पानी रखा है ताकि उससे जो है मैं पहले झाग वाले जो है वो पूरे सर्फ का कपड़ा लगा लूँ, फिर दूसरे में जो है मैं पानी का लगा लूँ, तो इससे बहुत अच्छे कैबिनेट्स हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब अपने हाथों से काम करते हैं, अपने घर में खुद काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है काम करना। और जब देख लेते हैं कि हम के ज़रा सी तो रुपये जो गंदगी हो गई है महीने में, महीने के बाद जो हम काम कर लेते हैं। और अभी मुझे तो थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं कर नहीं रही थी। और वैसे जो डेली रूटीन में हमारे काम होते हैं, तो वो तो मैं कर ही रही थी, बट ये है कि कैबिनेट्स का जो किचन का काम होता है थोड़ा भी बड़ा होता है, ये हैवी होता है, तो यू नो इसमें टाइम लगता है। मुझे बहुत घंटे लगे काम करने में, बट ये मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, तो उन लोगों को जो है मेरा चैनल, मेरा काम, मेरा जो है तरीका जो है लोगों को पसंद आए। और बस ये कि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ, यू नो, कि सामने वाले को बस अच्छा लगे, पसंद आए। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे जो है सब्सक्राइब करते रहें। बस यही कहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। मैंने कभी यूट्यूब पर आना नहीं चाहता और आज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं चाहता कि मैं यूट्यूब पर आऊँ और यूट्यूब पर आकर जो है मैं इस तरह से ब्लॉगिंग करूँ, ये आना मेरी मजबूरी है। और आई एम सिंगल मदर, यू नो, कभी भी मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं की है बात, बट मैं आज कर रही हूँ कि मेरी एक बेटी है मेहर, इतनी प्यारी सी, इसको आप देखते हैं। और ये सब जो मैंने चैनल बनाया है, और मेरा यही जो है अब मकसद है कि मैं ये जितना भी जो काम कर रही हूँ, जितनी भी मेहनत कर रही हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जो है इस पर सब पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। मैंने यूट्यूब को देखा कि कितने भी लोग हैं, कितनी भी लेडीज़ हैं जो अपने घर बैठी हैं, जो अपने घर बैठ कर काम कर रही हैं और बहुत मेहनत करती हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी है। तो मुझे भी अल्लाह पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है और उम्मीद है। और मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन मुझे भी कामयाब करे और जो है बस अल्लाह ताला की ज़ात पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला जो करता है ना अपने बंदे के साथ, वो बेहतर करता है, बेहतरीन करता है। अल्लाह की ज़ात से मैं कभी मायूस नहीं हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि बस जो है मैं मेहनत कर रही हूँ और मेहनत का सिला मुझे मिल जाए और बस मैं अपनी बेटी को जो है ना उसके साथ, यू नो, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करूं और उसको मैं माँ और बाप दोनों बनकर जो है आगे सपोर्ट करूं और उस
उसके कदम से कदम मिलाकर चलूँ, उसकी हर ख्वाहिशात पूरी करूँ, यू नो। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें और मेरी फैमिली बन जाएं, जिस तरह मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो बिल्कुल ऑब्वियसली अब आप लोग मेरी फैमिली बन गए हैं। और मैं कभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू नो कि मैं जो है व्लॉगिंग करूँ, मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता, मुझे व्लॉग का मालूम ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कि क्या करते हैं कैसे करते हैं इस प्लेटफॉर्म का। मुझे जब भी जैसे ही पता चला तो बस मैंने यही सोचा कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा मुझे ब्लॉग बनाऊँगी यार, मुझे सब देखेंगे, क्या मुझे पसंद करेंगे, क्या मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे, मैं 1000 सब्सक्राइबर कर सकती हूँ, 4000 घंटा वॉच कर सकती हूँ। उम्मीद है, अल्लाह पर भरोसा है, उसकी ज़ात पर भरोसा है। और आगे जो है आप लोग हैं, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, आप लोग मुझे देखेंगे तो मेरे व्यूज़ बन जाएंगे, आप लोग उतने ही मेरे व्यूज़ आने लग जाएंगे, और आप लोग देखेंगे पसंद आएगा आगे आप शेयर करेंगे तो वो सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो बस यही जो है मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ आगे से आगे शेयर करें, और बस मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए, मेरी फैमिली के लिए, कि मैं आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग बनाकर दिखाऊं, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊं। और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मुझे सेहत दे, आगे से आगे मुझे काम करने की तौफीक दे, मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊं, अच्छा काम करूं। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, तो हो सकता है मेरा इम्तिहान है और मैं इम्तिहान में पास हो जाऊँ। और कहते हैं ये भी मैंने सुना है कि अल्लाह ताला अपने उस बंदे को उतना ही इम्तिहान में डालता है जितनी उसकी हिम्मत हो, जितनी वो सह सकता है, जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। तो बस अल्लाह ने मुझे चुन लिया है और अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी करेगा मेरे लिए। तो बस फिर यही दुआ है आप लोगों से मेरी, यही मेरी गुजारिश है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि मैं जो हूँ मुझे बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की आप लोगों के सारे की। तो बस प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करें आप। और यहाँ पर जो है गर्म पानी हम लोग यहाँ डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पानी की वजह से यहाँ पर कॉकरोचेज आ जाते हैं। और ये ऊपर लाइट है, यहाँ पर हम लोग छोटी मोटी चीज़ें रख देते हैं, यहाँ पर जो है क्या पैकेट होते हैं या मैच बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें हम लोग रख देते हैं। और ये देखिए कैबिनेट्स ऐसे लग रहा है बिल्कुल न्यू हो गए हैं और बिल्कुल साफ हो गए हैं, चमक रहे हैं, शाइन आ रहा है, देख रहे होंगे आप लोग। वैसे ये रिसेंटली बनाया, जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तो हमने सारा काम करवाया था, और यहाँ पर जो है तो उसी की वजह से जो है न्यू है, अच्छे हैं, तो हम इसकी केयर करते हैं, साफ रखते हैं। और ये जो नीचे टाइल लगे हुए हैं, ये जो है टाइल ये पापा की पसंद के ही हैं, पापा ही लेकर आए थे टाइल, तो ये उन्हीं के पसंद के लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने इसको जो है कुछ भी नहीं करवाया था, बस ये हम एक हाथ से साफ़ कर लेते हैं, यू नो, तो साफ हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है ये शेल्फ हैं, यहाँ पर बस ये कांच के ग्लास रखने हैं और यहाँ पर कुछ जो है वो कप रखने हैं। तो सब रेडी हो गया है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा काम होता जा रहा है ना, तो बस मैं उसकी वीडियो ही बनाती जा रही हूँ। और ये जो है ये तो मेहमानों के लिए ग्लास और कप हैं कि सेट है ऊपर, तो ये भी हमने रेडी कर दिया है। वैसे ये जगह तो साफ़ थी, ये तो हमारे रेगुलर में आते हैं, सुबह की चाय के लिए होते हैं, यहाँ पर प्लेट्स रखते हैं हम। और यहाँ पर जो है दाल और चावल बने हैं, तो बहुत भूख लग रही है, रात का टाइम हो गया है, काम करते करते पता ही नहीं चलता। तो ये दाल और चावल है, ये काली दाल बनी है, बहुत अच्छी है, तो ये सवेरा ने बनाई है आज। दाल चावल बने हैं तो फिर भूख लग रही है बहुत तेज़, तो बस अब जो है मैं अपने लिए सिर्फ एक प्लेट निकाल लूँ, बाकी सब जो है बाहर बैठकर खाना खा रहे हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, मुझे अब बहुत भूख लग रही है, तो यहाँ पर जो है मैं प्लेट में अपने ही लिए चावल निकाल रही हूँ और अब दाल लेकर जाऊँगी। और बाहर सैलेड भी बना हुआ है, अचार भी रखा हुआ है, तो बस फिर जो है मैं मज़े से गर्म गर्म दाल चावल खाऊँगी। और भूख में आप जो भी खाते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है, और काफ़ी टाइम हो गया था हमारे घर में दाल बनी नहीं थी, तो अब ये दाल खाऊँगी मैं। तो बस के बाद जो है मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, एंड करूँगी, अभी नहीं, अभी तो मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये दाल में जब इमली डलती है ना तो बहुत मज़े की बनती है, स्पाइसी चटपटी दाल बनती है, अच्छी बनाई है सवेरा ने, मैंने तारीफ़ सुनी है, मैं खाऊँगी तो बताऊँगी कि दाल कैसी बनी है, भूख में तो भाई अच्छी लगती है। अब मैं लेके जा रही हूँ कॉमन में। अच्छी हाँ, तो मैं जो है किचन के काम से बिल्कुल फ्री हो गई थी और खाना वाना भी खा लिया, और अब जो है आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए, प्लीज़ 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 मेरे व्लॉग को पसंद करें, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें। मैंने जैसे कि कल भी बताया था, आज की भी व्लॉग में मैंने कहा कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को करते रहिए इंजॉय, की दो दिल किसी का मतलब मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, सच में। अल्लाह हाफिज़, अमान अल्लाह।